हाय गाइस, आई एम कैलाश फ्रॉम रैपिड ऑफर्स। और अब थोड़ा सा एक्सरसाइज या लेसन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेन पहला जो स्केल जो है क्रोमेटिक स्केल जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्रोमेटिक स्केल से, जिसमें अपने चारों फिंगर्स काम करेंगे और ये पूरे फ्रेटबो में हम फ्रेट नंबर 12 तक जाएंगे, फिर वहाँ से अपन वापसी करेंगे। तो इसका स्टार्ट जो होगा ये स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से फ्रेट नंबर 1 से, फर्स्ट फिंगर से। यहाँ आने के बाद ये हम एक आगे बढ़ जाएंगे, फ्लैट नंबर 2 में आ जाएंगे नीचे से ही, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे हम। इसके बाद फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फ्लैट नंबर 2 से फ्लैट 3 में आ जाएंगे ये। इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि जब भी हम इसको बजाएंगे पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे और स्पीड तभी बढ़ाएंगे जब एक एक फ्रेट में अपन जो भी नोट्स हम बजा रहे हैं उसका आवाज़ एकदम क्लियर आए, क्लियर आने लगे, उसके बाद धीरे धीरे हमको उसका स्पीड बढ़ाना है। मैं भी ये स्लोली बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। अब यहाँ से हम वापस बैक करेंगे कि ये जो 12th फ्रेट से, अब स्टार्ट करूँगा 4th फिंगर से। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँगा 12th से 11th फ्रेट में आ जाऊँगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा मैं। इस तरीके से हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से वापस बैक करके बजाता हूँ मैं। चीज का रखेंगे कि जब भी हम प्ले करेंगे तो अब हमारी उंगलियां जो है जो पूरे फिंगर से वो फ्लाई ना करें, अब इसको चिपका के ही बजाएं, क्योंकि जितना ये पास रह के बजेगा उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी पिकिंग जो है स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा ही हम पास प्ले कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको ऐसे बजाता हूँ, तो रॉन्ग एक्सरसाइज होगा। राइट एक्सरसाइज जो है कोई भी चीज़ आपको बजाने में बहुत आसानी होगा। तो गाइस, ये हमारा पहला क्रोमेटिक स्केल का लेसन।